हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी पिक्स को पिक्सआर्ट से कुछ इस टाइप से एडिट करना है तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पिक्सआर्ट से अपनी पिक्स को कुछ इस टाइप से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पिक्सआर्ट को ओपन करना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल फोटोज पर क्लिक करना है और अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में सेंड कर देना है। बैकग्राउंड को सेंड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आपको एडजस्ट में आना है। एडजस्ट में आने के बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एट फुट में जाना है। एट फुट में जाने के बाद आपको माई लाइफ पीएनजी को ऐड करना है। माई लाइफ पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको साइज़ को कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। साइज़ को बड़ा करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद आपको रेजर पर डबल टैप करना है और लाइफ को रेज कर देना है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको माई को सेट कर लेना है और उसके बाद आपको यस पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से एट फुट में जाना है। एट फुट में जाने के बाद आपको माय लाइफ पीएनजी को ऐड करना है। उसके बाद आपको रेजर पर डबल टैप करना है और माय को इरेज कर देना है और उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। लाइफ को नीचे की साइड कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। सेट करने के बाद यस पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में आने के बाद आपको हार्ट इमोजीज को ऐड करना है। हार्ट इमोजीज को ऐड करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से नीचे की साइड सेट कर देना है लाइफ पे। उसके बाद सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एट फुट में जाना है। एट फुट में जाने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। अपनी फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको हल्का सा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको ओपेसिटी को कम कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको मोबाइल के अंदर सेट करना है अपनी फ़ोटो को। कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है मोबाइल के अंदर अपनी फ़ोटो को। उसके बाद आपको सिंपली रेजर पर डबल टैप करना है और कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है। जिस तरीके से आपको साइड में से इरेज कर लेना है। सिंपली आपको रेजर पर डबल टैप करना है। रेजर पर डबल टैप करने के बाद आपको साइज़ को कम कर लेना है रेजर का और कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना है। इरेज करने के बाद सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ओपेसिटी को बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आपको एडजस्ट में आना है। एडजस्ट में आने के बाद आपको सैचुरेशन को बढ़ा लेना है। सैचुरेशन को बढ़ा लेना है। कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है। कंट्रास्ट को बढ़ाने के बाद क्लैरिटी को बढ़ा लेना है। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद आपको हाईलाइट को बढ़ा लेना है और सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको कलर्स में आना है और उसके बाद आपको सैचुरेशन पर डबल टैप करना है और अमाउंट को कम कर लेना है। अमाउंट को कम करने के बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रशेस में जाना है। ब्रशेस में जाने के बाद आपको स्टार का कंट्रास्ट देना है। सिंपली आपको साइज़ को कम कर लेना है और ओपेसिटी को भी कम कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की साइड कंट्रास्ट देना है स्टार का और साइड में देना है। कुछ इस तरीके से आपको साइड में कंट्रास्ट देना है और यस पे क्लिक करना है और अपनी पिक्चर्स को सेव कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक। बाय।